तप्त कांचन गौरंगी राधे कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतये नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम् जंग प्रभजन्त मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरहतातर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोहिनेदुं स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुष्टि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा लो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे सौनकादि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को 6 प्रश्न की थी। पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिले और दूसरे प्रश्न क्या था बोलो। कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है और तीसरी प्रश्न बोले भगवान कृष्ण की कथा सुना। चौथा प्रश्न बोले केवल कृष्ण कथा नहीं बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजामि। भगवान युग युग में आकर के जैसे राम रूप में आए प्रभु रावण को उद्धार किए बामन बन करके आए बलि महाराज को ऊपर में कृपा की मत्स्य अवतार में आए चारी वेद को उन्होंने उद्धार की कुरुमा अवतार में आए मंदाराचल पर्वत को धारण की। इसलिए ऐसे जो भगवान के अनंत अवतार हैं ये सारे अवतारों का भी हमें कथा सुनाए। जो पंचमा प्रश्न है कृष्ण की जो अद्भुत जो जस है ये अद्भुत जस हमें सुनाओ। और छठवां प्रश्न था जब भगवान ये जगत छोड़ करके चले गए कलयुग में धर्म कहाँ पर आश्रय करके आ रहे। ये 6 प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने की थी। कल हम लोगों ने 2 प्रश्न का उत्तर सुन रहे थे। जो दूसरी प्रश्न थी कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय किया है इसलिए श्री सुतो गोस्वामी बताए बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकूत भयम् योगिनां नृपनिर्णित हरि नामानुकीर्तनम्। भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखे हैं। इनको पता है कलयुग का जो जीव है
और किसी तरह का धर्म जाचन कर ही नहीं सकता, कठिन है। ऐसे एक धर्म रखे जो बिना पैसा बिना परिश्रम जो आसानी से जो हो जाए, वो क्या है? बोले कलियुग केवल नाम अधरा और सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। ये भगवान की ये नाम संकीर्तन है। अब रामायण का हम कथा सुनाता हूँ। बोले एक समय कैवर्त देश के एक राजा था जिसका नाम था सुतान। एक दिन सुमेर पर्वत ऊपर में बहुत बड़े बड़े साधु संतों का समागम था। वो सत्संग में जा रहे थे, जाते समय इतने में श्री नारद बीच में मिले। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले सत्संग में जा रहा हूँ। बोले जा करके पहले संतों को चरण स्पर्श करना। बोले आप लोग तो सीखा रहा है, पहले संतों की चरण स्पर्श करनी चाहिए। जब जा रहे तो इधर। बोले क्या बात है? बोले सभी का चरण स्पर्श तो करना, लेकिन देखना वहां पर श्री विश्वामित्र भी होंगे, उनकी चरणों का स्पर्श नहीं करना। बोले ऐसे क्यों? जब सबका चरण छुएंगे विश्वामित्र, जब कभी चरण हम छुएंगे। बोले बोल दिया ना, क्योंकि वो भी पहले एक क्षत्रिय ही थे, क्षत्रिय से फिर उनका ब्राह्मण बने, इसलिए तुम भी पहले ही क्षत्रिय था, इसलिए उनका चरण नहीं चुना। बोले ठीक है। अभी सारे साधु लोग लाइन से बैठे हुए, उनने सबका चरण तो छुते छुते तो गए, लेकिन श्री विश्वामित्र जी के चरण को उन्होंने नहीं छुआ। अगर सब बैठे हुए हो, सभी का चरण छुए और एक का बीच में नहीं चरण छुए, पता क्या होगा? अपमान है ना। और विश्वामित्र जी आपको पता होगा बड़ा क्रोधी बैठे थे। बोले भरी सभा में संतों की अपमान। इतने में सत्संग समाप्त तो होते ही उनने सीधा अयोध्या में आए। जब सीधा से अयोध्या में आए, उसी समय भगवान राम वो विश्राम कर रहे थे। माता जी अब चुपचाप बैठो, चलो देखने का जरूरत नहीं, जो आएगा बैठ जाएगा, ठीक है ना? अब सामने बैठो, अब तुम चुपचाप बैठो, उधर देखा मत करो। इसलिए अभी उन्होंने सीधा उन्होंने अयोध्या आया, उसी समय भगवान राम विश्राम कर रहे थे और श्री लक्ष्मण दरवाजा में थे। श्री विश्वामित्र जी ने कहा अभी हमें राम से मिलना चाहता हूँ। बोले राम अभी विश्राम कर रहे हैं। बोले जो जगत में विश्राम करता है उनको देश में ऐसे ही अनहोनी होती है, लेकिन अभी अभी हमें जरूरत है राम से मिलने का। जब इसका अंदर में बात हो रही थी, इतने में भगवान राम की नींद खुल गई। जब राम जी आए, गुरु जी के चरणों का स्पर्श किए। बोले गुरु जी क्या बात है? बोले बात क्या है, हरी सभा में संत समागम की गुरु परंपरा की अवज्ञा है। बोले किसने मेरे गुरु जी के चरण में अवज्ञा की? बोले सुतांत ने सब संतों के चरणों को तो छुए, लेकिन भरी सभा में केवल मेरी चरण को उन्होंने छुए नहीं। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जिसने मेरे गुरु जी के चरण में नतमस्तक नहीं किया, कल उसका सर में काट दूं। और भगवान अगर किस चीज को प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उनको कौन बचा सकता है? अभी ये बात धीरे 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 सुकांत जी को पास में पहुंचा। पहुंचते ही इतने में सुकांत तो रोना शुरू कर दिया। भगवान ने प्रतिज्ञा की कल सवेरे इनका सर काट दूंगा, कौन बचा सकता है? रोने लग गए। अभी श्री नारद जी को ढूंढे, नारद जी जितने गड़बड़ किए, मेरे को बोले सबका चरण का स्पर्श करना और श्री विश्वामित्र जी की चरण स्पर्श नहीं करना। हम कहते ना, तुम क्या नारद जी क्या काम कर रहे हो? ये नारद जी सब जगह में गड़बड़ी करते हैं। अभी नारद जी को ढूंढे तो अभी पहले तो ढूंढ नहीं रहे थे, मिल गए थे। अभी ढूंढ रहे हैं, अभी वो मिल नहीं रहे। वो बड़ी दुखी हो गए। जब बड़े दुखी हो गए, इतने में श्री नारद जी आए। बोले क्या बात है? बोले आपने बड़ी गड़बड़ी करवा दिया। आपने बताया विश्वामित्र जी की चरण छूना नहीं, और हमने चरण नहीं छुए तो उन्होंने प्रभु राम के पास में शिकायत कर दी। राम ने प्रतिज्ञा की कल सवेरे मेरे सर को काट देंगे, कल मैं मरने वाला हूं। बोले भैया ये जगत मरते जगत में,
मरते जगत ही जगत का नाम है, एक दिन तो सबके सब मरना पड़ता ही। बोले मैं तो मरना नहीं चाहता। बोले राम भर मारेंगे। बोले और भी अच्छी बात है, प्रभु का हाथ में जो मरता है उसको मुक्ति मिलती है, बहुत अच्छी बात है। बोले नहीं मैं तो मरना नहीं चाहता। बोले एक काम करियो, जाओ श्री अंजना माता जी की शरण में जाओ। अंजना कौन है? हनुमान जी की मां है। उन्होंने श्री सीधा गए और माता जी की चरण पकड़ कर रोना प्रारंभ कर दी। और मैया का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। बोले बेटा क्या बात है? बोले पहले प्रतिज्ञा करो फिर मैं बताऊंगा, पर प्राण को आप रक्षा करोगे पहले ये प्रतिज्ञा करो। बोले कोई बात नहीं, मेरे तेरे प्राण को मैं रक्षा करूंगा, बताओ क्या बात है। बोले विश्वामित्र जी मेरे को मरवाना चाह रहे हैं। बोले ठीक है बेटा, एक काम करो जाओ अंदर में बैठ जा। अभी अंदर में बैठ गए। हनुमान जी प्रभु की सेवा करते हुए रोज शाम को वापस आते हैं। जब वापस आए देखा मैया बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई। हनुमान जी आकर के मैया के चरण स्पर्श किए और मैया को देखा जब दुखी है। बोले माता जी आप दुखी, मेरी मैया दुखी, बात क्या बताओ? बोले बेटा तेरे को एक काम करने के लिए तुमको प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। बोले मैया मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम जो कुछ बोलोगे मैं उसको काम करूंगा। बोले श्री विश्वामित्र जी ये सुकांत जी को मरवाना चाहते हैं, इसलिए आप सुकांत जी को रक्षा करना पड़ेगा। बोले माता जी कोई चिंता मत करो, मैं जरूर उसका प्राण दे करके मैं रक्षा करूंगा। सुकांत जी को बुलाया। बोले क्या बात है? सुकांत जी ने कहा कल सवेरे प्रभु राम मेरे को मारना चाहते। बोले तू बता रहे तो विश्वामित्र मारेगा क्या? तू तो राम के नाम बताया नहीं। बोले राम को द्वारा विश्वामित्र मरवाना चाहते हैं। हनुमान तो बीच में फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। और कोई होता तो कोई बात नहीं था। जब प्रभु राम ने प्रतिज्ञा की फिर अभी प्रभु का राम को प्रतिज्ञा को कौन तोड़ सकता है? हनुमान जी बोले ठीक है देखता हूँ। हनुमान जी एकदम सवेरे सवेरे अयोध्या में पहुंच गए। भगवान राम अपना चतुरंगी सैनिक को तैयारी कर रहे थे युद्ध करने के लिए। हैं? बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले सुकांत को मारने के लिए। बोले प्रभु एक जीव को मार कर क्या होगा, छोड़ दो। बोले नहीं, उसने मेरे गुरु जी के चरण में सर नहीं नवाया, जो मेरे गुरु जी के चरण में सर नहीं नवाया उसका सर को मैं काट डालूंगा। हनुमान जी मना करने पर भी प्रभु माने नहीं। हनुमान जी का प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा की उसको रक्षा करने के लिए। बोले तुमने कैसे प्रतिज्ञा कर ली? हाँ ठीक है, तो कुछ करना तू कर, मैं तो उसको मारूंगा ही। इतने में से हनुमान जी घर में आए और सुकांत जी को बोले चलो यहां से चलो। उनको लेकर के चले गए। जा करके हनुमान जी बोले मेरे पीछे बैठ जा। अब पीछे बैठ करके चलो हम बैठ करके भगवान का कीर्तन करते हैं। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इतने में प्रभु राम आए। बोले सुकांत कहाँ है? बोले एक बंदर ने उनको कहीं लेकर गए। बोले समझ गए, बंदर लेकर गए। और कौन सा बंदर होगा? बोले हनुमान जी होगा। अभी प्रभु जब राम ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचे, इतने में सुकांत जी हनुमान से बोल रहे थे, बोले प्रभु ये जो दो अक्षर जो राम अक्षर है क्या इससे बच जाएगा प्राण? हनुमान जी ने कहा तू चिंता क्यों करते हो, हरि से बड़ा हरि का नाम। बेटा कोई चिंता मत कर, प्रभु का नाम जप कर। एक तो डर से नाम कर रहा है और एक प्रेम से नाम कर रहा है। हनुमान जी तो प्रेम से नाम कर रहे थे और सुकांत डर से नाम कर रहे थे। इतने में भगवान राम वहां पर जब आए, उठाया उन्होंने धनुष। बोले सुकांत कहाँ है? लेकिन सुकांत क्या कर रहा था? भगवान का नाम जप कर रहा था।
इसलिए हनुमान जी जो नाम रूपी जो चक्र है उसको बीच में सुकांत जी को बैठा दिया। इतने में भगवान का जो राम का जो बाण है ना वो अचूक है कि जब भगवान राम बाण को स्पर्श करते हैं वो एक गुण होता है, वो जब निकालते हैं होता है 10, जब धनुष में चढ़ाता है होता है 100, जब खींचते हैं होता है 1000, जब छोड़ते हैं हो जाता है 1,00,000, और जब प्रहार करता है उसका प्राण को ले लेता है। इसलिए भगवान का राम का बाण अचूक बाण है, लेकिन जब उन्होंने सुकांत जी को ऊपर में प्रहार किया, लेकिन वो तो प्रभु का नाम ही ले रहा था, लेकिन वो नाम रूपी चक्र के अंदर में बैठा हुआ। प्रभु तो राम बाण मारते हैं लेकिन वो बाण उसको शरीर में लगता नहीं, वो छट गिर जाता है। क्यों? वो नाम रूपी जो चक्र है वो उसको रक्षा कर रहा है। जब कोई बाण काम नहीं कर रहा था, इतने में लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, बोले ये तो प्रभु को बड़ा तंग कर रहा है। इतने में श्री लक्ष्मण जी उठाया धनुष, धनुष उठा करके उन्होंने जो मारे सुकांत बैठा हुआ था श्री हनुमान जी को पीछे, उन्होंने जो बाण को प्रहार की वो बाण सीधा जाकर के हनुमान जी की छाती को ऊपर में लगी, लेकिन लगा तो छाती को ऊपर में ही, उधर क्या हुआ श्री राम बेहोश हो गए। भगवान राम बेहोश हो गए, बोले क्यों? बोले हनुमान के हृदय में कौन बैठे हैं? प्रभु राम बैठे हैं। आप लोगों को पता होगा जब माता सीता को उद्धार करके प्रभु राम ले आए, मैया जानकी इतने प्रसन्न हो गए हनुमान को ऊपर, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता ना मेरी उद्धार बड़ा कठिन था। इसलिए माता जी की गला में सबसे जो कीमती हार थी नवलाख की हार उसने उतार करके श्री हनुमान जी को दे दिया, और हनुमान जी एक एक मोती को लेकर के दांत में काट रहे थे और देख रहे थे और फेंक रहे थे। मैया सीता को तो बड़ा क्रोध आ गया, बोले बंदर का आदर का क्या स्वाद पता है, तेरे को मैंने इतने कीमती हार दिया और तू उसको दांत में काट काट कर क्यों फेंक रहे हो? हनुमान जी ने कहा माता जी मैं देख रहा हूँ इसमें मेरे प्रभु की कोई छवि है कि नहीं, जिसमें मेरी प्रभु राम सीता की कोई छवि नहीं हनुमान इसको ग्रहण नहीं करता है। बोले बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, ये शरीर में क्या तुम्हारी हमारी छवि, फिर शरीर को फेंक दो, ये शरीर को क्यों धारण किया? बोले देखना चाहते हो, बोले क्या दिखाओगे? इतने में हनुमान जी छाती को फाड़ दिए, सचमुच से माता सीता देखा वो अंदर में श्री सीताराम की निवास है। मैया को विश्वास हो गया, मैया को विश्वास हो गया है। इसलिए बाण तुम्हारे किसको ऊपर में? हनुमान जी को ऊपर में लगा था हनुमान में, लेकिन गिर पड़े कौन? भगवान राम गिर पड़े, बेहोश हो गए। जब इतने में भगवान राम की होश आए, इतने में इन्होंने श्री सुकांत जी को पूछे, बोले तुम ये बताओ तेरी ये जो दुर्बुद्धि ये कौन सा असत संग से तुम्हारी हुई जो तुमने मेरी गुरु जी के चरण में नतमस्तक नहीं किए? सुकांत जी ने कहा असत संग से नहीं, ये दुर्बुद्धि सत्संग से हुई है। बोले सत्संग से? बोले कौन सा सत्संग से? बोले नारद जी ने मेरे को ये पाठ बताया थे। इतने में श्री नारद जी बस कीर्तन करते 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 श्री नारद जी वहां पर प्रकट हुए। इतने में भगवान राम ने बोले नारद जी तुमने इनको ये दुर्बुद्धि कैसे दिया और इतने अनहोनी हो रही है? बोले प्रभु मैं जहां जहां जाता हूँ सब लोग मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़े ना उनका नाम बड़ा है। सारा दुनिया में मेरे एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़े ना उनका नाम बड़ा है। मैंने सोचा ऐसे के काम करके मैं दिखा दूं, दुनिया को पता चले जाए हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए प्रभु मैंने ये काम किया है। इतने में श्री विश्वामित्र जी आ गए, आते ही श्री नारद जी सुकांत जी को बोले जाओ विश्वामित्र जी के चरण में गिर पड़ो। इतने में श्री सुकांत जी श्री विश्वामित्र जी के चरण में गिर पड़े। संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले संत हृदय नावनी समाना, संत हृदय समान
कहते संतों का हृदय कैसे बोलो मक्खन को साथ मोदा में दिया, पर दूसरी लाइन में कहते बोले नहीं मक्खन कब पिघलता है जब गरीबी हो, लेकिन संतों का हृदय तो परताप द्रवई संत पुनीता, दूसरों को दुख देख करके संतों का हृदय पिघल जाता है। इसलिए संत संघार नहीं संभालते, जब उन्होंने श्री विश्वामित्र जी के चरण में गिर पड़े तब उनका हृदय द्रवित हो गया, बोले प्रभु राम मैं इसके अपराध को दूर कर दिया, हाँ मैंने जो आपको बात बताया था इसका अपराध को मैंने दूर कर दिया, आप भी इसको क्षमा कर दो। पर ठाकुर जी उसको क्षमा कर दिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कहते कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, ठाकुर जी की नाम है। हाँ? कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, हाथों में जो कुछ कर ठाकुर को सेवा मांग कर करो, और मुंह में क्या करो भगवान की नाम, बस बड़ा भार है, केवल इतनी सी बात और कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुख की बात यह है मैंने कलयुग में इतने आसानी उपाय रख लिया, लेकिन तब भी ये जीव भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भले ही इधर उधर की बात उल्टा पुल्टा बात कर लेंगे, भले थोड़ी सी प्रभु का नाम जप करो, लेकिन प्रभु का जीव नाम जप नहीं करते। इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए भगवान के नाम जप करते हुए ये संसार से हमें निकल जानी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले नाम करने से क्या मिलेगा, तो महाप्रभु कहते हैं एक श्लोक में कहते नाम करने से तुम्हें आठ चीज लाभ होगा, आठ लाभ होगा। बोले आठ लाभ क्या क्या है आज मैं बताऊंगा, कल आप से मैं सुनूंगा, ठीक है, एकदम ध्यान देकर आज सुनना, मैं बच्चा पूछूंगा कौन उसको बता पाता है, ठीक है ना। बोले चेत दर्पण मार्जनम भव महादाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम करने का पहला गुण है हृदय रूपी जो दर्पण है वो साफ हो जाएगा, जैसे कपड़े में मैला हो हम साबुन से सर्फ से साफ करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो जन्म जन्मा करके जो मैला पड़ा हुआ है काई जम गई है, हैं अब इसको हम कैसे साफ करें, बल इसको साफ करना तो क्या करो बोले भगवान के नाम जप करो। इसलिए चित्त रूपी दर्पण में जैसे शीशा है अगर उसमें मैला जम जाए उसमें क्या हो फिर हमारे चेहरा नहीं दिखती है, हैं उसी तरह अभी हमें भगवान क्यों नहीं दिखती है, कारण है हमारे हृदय रूपी दर्पण में ये मैला जम गया है, अगर इसको साफ करना तो क्या करो बोले भगवान के नाम जप करने से हृदय रूपी जो मैला ये साफ हो जाएगी। बोले नाम करने का दूसरा लाभ क्या, बोले भव महादाग्नि निर्वापण, ये संसार को उदाहरण दिया है ये दावाग्नि को साथ में, अगर कहीं साधारण आग लग जाए ना वो फायर ब्रिगेड से आप बुझा दो, लेकिन जब जंगल में आग लग जाए फिर तो वहां पर कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं करती है, कहते तो उसी तरह हमारा हृदय में भी ये ऐसे एक आग जल रही है, पता नहीं कब से हम भगवान से बिछड़े हुए और ये 84 लाख जोनि में हम भटक रहे हैं, बोले ये जन्म मृत्यु रूपी जो माला है ये कब खत्म होगी, बोले भगवान के नाम जप करने से। भगवान का नाम जप करने से जितने दुख कष्ट है संसार में कहते सारे दुख कष्ट तुम्हारी समाप्त हो जाएगी अगर भगवान की नाम जप करोगे तो। बोले तीसरा लाभ किया उदाहरण दिया जैसे चंद्रमा की किरण पड़ने पर रात में एक लीली फूल होता है कुमुदिनी, दिन में तो सूर्य का किरण से ये कमल फूल खिलता है, लेकिन रात में एक फूल खिलती है आप देखे होंगे सरोवर में जिसको लीली फूल कहते हैं कुमुदिनी कहते हैं, कहते वो फूल कब खिलता है बोले ये चंद्रमा का किरण से खिलती है। उदाहरण दिया हमारा जो हृदय है एक फूल की सदृश है, लेकिन भगवान के नाम क्या है कहते ये चंद्रमा की जैसे किरण पड़ने पर वो फूल खिल जाती है, अगर भगवान के नाम जप करोगे
तुम्हारे हृदय रूपी जो फूल है वो भी खिल जाएगा, मतलब मन तुम्हारी प्रसन्न हो जाएगी। चौथा लाभ क्या, बोले विद्या बधो जीवनम। उन्होंने विद्या को उन्होंने उदाहरण दिया एक बहू को साथ में, बोले इसकी जीवन स्वरूप क्या है, बोले भगवान के नाम। इसका मतलब है जैसे हमने बहुत कुछ लिखाई पढ़ाई किया, लेकिन ये लिखा पढ़ाई करने का तात्पर्य क्या है, अगर भगवान के नाम में रुचि नहीं होगी तुम्हारी लिखाई पढ़ाई सब बेकार है। इसलिए एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत बड़े विद्वान को परास्त किया, सरस्वती माँ जिसकी जुहा में बैठ करके बात करती थी, जब उन्होंने बात बात में उनको परास्त कर दिए तो बड़ा दुखी हो गया। जब बड़े दुखी हो गया उन्होंने माँ सरस्वती जी से प्रश्न की, आप तो मेरे को वरदान दिए थे, ये जगत में हमें कोई परास्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक साधारण बालक समय से कैसे परास्त हो गया। माँ सरस्वती स्वयं कहती, बोले बेटा आज तुम्हारी विद्या पढ़ने का सार्थकता हुई। सरस्वती स्वयं कहती है, मैं जिसको केवल ऊपर ऊपर से कृपा करती हूँ, जैसे MA PhD डॉक्टर इंजीनियर एक पदवी तो दे देती हूँ, लेकिन संसार में क्या करता है, बाल दिन भर संसार के चक्कर में वो फंसा रहता है, उसी काम में ही दिन भर उसी में ही जीवन को गवा देता है। लेकिन जिसको पर मैं सही सही कृपा करती हूँ, मैं उसको अपना प्रभु के पास में पहुंचा देता हूँ, ठाकुर जी के पास में मैं पहुंचा देता हूँ। बेटा आज तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की सही कृपा हो गई, भगवत दर्शन हो गया और भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि हो गई। देखो आपकी छोटी सी कथा सुनाता हूँ। बोले एक समय बड़ी उच्च शिक्षित तो कुछ लड़के लोग थे, एक नदी पार कर रहे थे, जिसमें नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी, और नाव में जो बच्चे बैठे हुए थे, कोई CA कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई डॉक्टर भी कर रहा था। अब जब बीच दरिया में नाव पहुंच गई, जो CA कर रहा था वो नाव वाले से पूछ रहे, बोले तेरे को CA के बारे में कुछ पता है? बोले CA क्या होता है? बोले नहीं जानते। बोले नहीं, हम तो नाव चला कर 2 पैसा रोजगार करके पेट पालता हूँ। बोले तुम्हारे तो 25% जीवन बेकार यूजलेस है। और थोड़ी दूर गया जो डॉक्टर भी कर रहा था, बोले डॉक्टर के बारे में तेरे को पता? बोले वो क्या होता है? हमें कुछ पता नहीं। बोले तुम्हारे तो 50% जीवन गया। और थोड़ी दूर गया जो इंजीनियरिंग कर रहा था, बोला तेरे को इंजीनियर के बारे में कुछ पता? बोले भाई हम क्या इंजीनियर जानता हूँ। बोले तुम्हारे तो 75% जीवन गया। इतने में क्या हो गया, वो नाव में एक छेद हो गई तो पानी घुसना शुरू हो गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन बंद नहीं कर पाया, और नदी बड़ी लंबी चौड़ी। उसने कहा, तैरना आता है तुम लोगों को? तैरना सीखे हो? तैरना क्या होता है? बोले तैरना नहीं जानते हो? बोले मेरा तो 75% जीवन गया था, अभी तुम्हारे 100% जीवन जाएगा। देखो ये बात तो हमारे गुरु जी सिखा देते थे, हम भी जीवन में बहुत लिख पड़ गए, कोई इंजीनियर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, लेकिन जो असली पढ़ाई ना हम नहीं पढ़े। देखो जो कुछ पढ़ना पढ़ लो, लेकिन अंतिम समय जब आएगा, जब शरीर छूटेगी, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते ले जाएंगे? बोलो क्या बोलते ले जाएंगे? कोई नहीं बोलेगा तेरे CA सच्चा है, कोई नहीं बोलेगा तुमने जो इंजीनियरिंग किया सच्चा है, कोई नहीं बोलेगा तेरे जो डॉक्टर किया सच्चा है। वो बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है, और सब कोई बात झूठा है। पर जितने तुमने डिग्री फिग्री किया है ना, सब यहीं छोड़ करके जा रहे हो। पत्नी रो रो कर दरवाजे तक चलेगी, परिवार तेरे साथ में शमशान तक चलेंगे, आगे कुछ भी जाने वाले नहीं। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन कर पायो। इसलिए बताओ मीरा कौन सा विद्या पढ़ी है? इसलिए मीरा कहती है, प्रेम 2.5 अखर पढ़ा सो पंडित सोई। हनुमान जी कौन से विद्या पढ़े? राम की भक्ति विद्या पढ़े। सबर जी कौन से विद्या पढ़े जो प्रभु भगवान झूठा बेर खाए? तुलसीदास जी कौन से विद्या पढ़े बताओ, जिनका नाम जगत में अमर हो गया है, सारा दुनिया जिनके नाम ले रहे हैं। हमारे पिताजी का नाम कोई ले रहा है? उसकी पिताजी का नाम, उसकी मैया का नाम कोई दुनिया में कोई ले रहे हैं? बताओ कोई ले रहे हैं हमारे परिवार का? इनके नाम क्यों अमर हो गया? क्योंकि इन लोगों ने सही विद्या को पढ़े हैं। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं, विद्या बधो जीवनम। कहते विद्या पढ़ने का
सार क्या है? अगर भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि हो गई, समझना तुम्हारी विद्या पढ़ना सार्थकता हो गई है, विद्या पढ़ना तुम्हारी सार्थकता, विद्या बद्ध जीवन बल आनंदाम बुद्धि वर्धन। अगर भगवान के नाम करोगे उसका पंचमा लाभ कह रहे हैं, बोले आनंद रूपी जो समुद्र ही बढ़ते रहे, हर समय नई नई आनंद मिलेगा। लेकिन इस संसार में देख लो, जैसे कोई बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आया, एक बार देख लिया कैसे, बोले बहुत बढ़िया है, दूसरा बार देख लिया बोले कैसे, हाँ बढ़िया है, तीसरा बार देख लिया बोले कैसे, बोला हाँ अच्छा है, बोले चौथा बार हमने और नहीं जा सकते। अगर चौथा बार चल भी गए ना, पंचवा बार देखने की भी तुम्हारी इच्छा नहीं करेगी। एक रसगुल्ला खाओ कैसे, बोले बहुत बढ़िया, दूसरे रसमलाई खा लो कैसे, बहुत अच्छा है, तीसरा खा लो बोले अच्छा है, चौथा बोले नहीं, पंचमा का बोले उल्टी हो जाएगी। आप देखना जगत में हर चीज है, हर चीज में जो आनंद है ना पहले घटती जाती है। इसलिए संत कह रहे थे बोले पत्नी पहले पहले कैसे लगती है, बोले चंद्रमुखी, कुछ दिन बाद में बोले सूर्यमुखी, बोले बाद में ज्वालामुखी, अरे लड़ाई झगड़ा शुरू हो। अब इसी संसार में देखना, कोई भी चीज को देख, कोई भी चीज को देख लो, धीरे धीरे ना हर चीज का जो आनंद है वो घटते 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 घट जाती है, और बाद में लड़ाई मामला बनता है। इसलिए कहते हैं फास्ट प्रेम कांड शुरू होता है आई लव यू, फिर बाद में आई लीव यू, लास्ट में आई किल यू, फिर कोर्ट में जाकर लड़ाई झगड़ा जाकर कोर्ट में शुरू हो जाती है, फिर कोर्ट में जाकर शुरू हो जाती है। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, लेकिन जो भगवान की जो भक्ति है ना, भगवान की जो नाम है, भगवान की जो भक्ति है, आप देखना ये भक्ति कभी नीचे घटती नहीं है, ये भक्ति हर समय बढ़ती रहती है। आप देखो घर में जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, देवी दुर्गा जैसे भगवान रामायण पढ़ते होंगे घर में, आप देखना कभी आप अरुचि आती है, अरुचि कभी नहीं आती, कभी अरुचि नहीं आती। देखो मेरे तरफ में कभी जो माला है ना, हमारे संप्रदाय में संत लोग, कोई कोई संत लोग तो एक एक लाख भगवान का नाम जप करते हैं रोज रोज, एक एक लाख, मतलब एक लाख सात आठ घंटे तो लगे। कोई कोई संत हमारे संप्रदाय में दो दो लाख हरिनाम करते हैं दिन में, छह छह बारह बारह घंटा, चौदह चौदह घंटा भगवान के नाम जप करते हैं। लेकिन जितने प्रभु का नाम जप करते हैं तो उतना आनंद है, उतने आनंद है, उतनी उसमें रस आती है। इसलिए भक्ति में एक नई आनंद है। लेकिन संसार में हर आनंद धीरे 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 आनंद हर समय ये घटते जाती है। इसलिए कहते अगर नाम जप करोगे क्या होगा, बोले आनंदाम बुद्धि वर्धनम, बोले प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन, प्रतिपद पद में एक नई नई आनंद आस्वादन होगी, और एक दिन ऐसा आएगा जो कि संपूर्ण भक्ति रस समुद्र में आप डूब जाओगे, एकदम भक्ति समुद्र में आप डूब जाओगे। इसलिए आप श्री हनुमान जी को देखो, अब देखना हाथ में मजरा लेकर के दिन भर 24 घंटा हनुमान जी बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम।
राम संकीर्तन की जय। श्री सचिनान गौर हरि की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बल बदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम् जज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मति परमात्मति भगवान इति शब्दते। सुतो गोस्वामी कहते सांधु का ऋषियों वो भगवान एक ही है, भगवान दो नहीं है, लेकिन एक ही होने पर भी उनके तीन तरह के भक्त हैं। बोले एक भक्त है, देखो ध्यान देकर सुनो, ये बहुत अच्छी बात हम बता रहे हैं। अगर इतनी सी बात आप समझ जाएंगे ना, कोई कहते भगवान तो निराकार, कोई कहते भगवान तो परमात्मा को ध्यान करो, कोई कहते लड्डू गोपाल को पूजा करो, राम की भक्ति करो। अब इसमें है क्या चीज, ये श्लोक में ये चीज को समझा रहे। अब बहुत अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो, ये बहुत काम की बात है, नहीं तो हमारे दिमाग ना ये भटकता रहेगा, हम भी भटकते रहेंगे। इसलिए भागवत में ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो एक ही भगवान है, लेकिन एक होने पर भी उनका तीन प्रतीति है। एक ही ज्ञानी उसको एक निराकार ज्योति रूप में दर्शन करते हैं, एक योगी उसको परमात्मा रूप में अंगुष्ट परिमाण परमात्मा रूप में दर्शन करते हैं। लेकिन वही भगवान को एक जो भक्त हैं उनको श्री लड्डू गोपाल रूप में, श्री बांके बिहारी रूप में दर्शन करते हैं। अभी प्रश्न आता है, क्या ये सबके सब बराबर ना, ये सबके सब कोई अलग है? तो ये चीज को समझाने के लिए बहुत एक अच्छी उदाहरण दे करके समझाए। बोले एक समय जैसे आम का सीजन है, जैसे चौसा नहीं तो दशहरा आम वो मार्केट में आया, एक राजा ने भेजा एक नौकर को देख करके आओ, तो हमने सुना मार्केट में बड़े सुंदर आम आया है। वो पहला व्यक्ति गया, दूर से देखा बड़े सुंदर सुंदर पीले पीले रंग के आम दिख रहा है। उसने वापस आ गया, बोले महाराज बड़े सुंदर आम है, देख करके आया है। उसने दूसरे सेवक को भेजा, बोले तू देख करके आया। वो देखा भी है और स्पर्श भी किया, पका हुआ सूंघा उसमें खुशबू। उसने वापस आ गया, बोले महाराज बड़ी सुंदर आम है, एकदम खुशबू पका हुआ आम। राजा तीसरे सेवक को भेजा, भैया तू भी जा देख करके आ। इसने देखा सचमुच से आम है, बड़े एकदम पके पके पीले पीले आम के। और उन्होंने सूंघा देखा पका हुआ, बोले 5 किलो आम है। तो उन्होंने 5 किलो आम लेकर के आया और पानी में भिगवाया और अमणी आकर के ठाकुर जी को गोपाल जी को तुलसी दल से भोग लगाया। उसने जब आम खाया ना, देखा बड़ा मीठा आम है। राजा ने पूछा आम कैसे है, बोले महाराज बड़ा मीठा आम है, एक तो बड़ा स्वाद है। हाँ देखो ये आम तीनों को मिला के नहीं बता, हाँ बताओ ये तीनों की, देखो ये चीज को अच्छी तरह से समझ लो, दिमाग में बैठा लो, बहुत अच्छी बात इसमें समझा रहे। ये तीनों को ये आम मिली कि नहीं बता? मिला है, लेकिन मिलने पर भी बराबर नहीं मिला है। जो पहला व्यक्ति जो गया था देखने के लिए, वो देखा भी, लेकिन वहां से वापस चला आया, बोले हाँ वो आम बड़ा सुंदर है। बोले ये कौन है, बोले ज्ञानी है। जो भगवान को तो देखता है दूर से, लेकिन वो कैसे है, कहते तो निराकार है, उसकी कोई आकार नहीं, बोलते कि ज्योति स्वरूप है बस, उसको यही कदी है, उसका आगे और उसको आगे और बढ़ाने वही केवल देख करके आ गया। कहते वो ज्ञानी है जो भगवान को निराकार मानते हैं। दूसरे व्यक्ति गया, देखा स्पर्श भी किया सूंघा भी और वापस आ गया, बोले ये कौन है, बोले ये योगी है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञानी भ्रष्ट अधिक योगी, कहते हे अर्जुन एक ज्ञानी से एक योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मेरे को स्पर्श भी करता है और हृदय में एक अंगुष्ट परिमाण जो परमात्मा है वो हृदय में को ध्यान करता है, इसलिए वो ज्ञानी से श्रेष्ठ ही है। लेकिन कृष्ण जो दूसरे श्लोक में कहते हैं, कहते योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेना करात्मना श्रद्धा भान भजे तो जो माम समय युक्तत्मा मत। लेकिन जो लास्ट जो व्यक्ति गया, देखा भी है स्पर्श भी किया और आम भी लाया, ठाकुर जी को भोग भी लगाया, भोग लगा उन्होंने खाए, कहते ये कौन है, कहते ये भक्त है, ये भक्त है। जैसे श्री हनुमत लाल वो क्या करते हैं,
जो भगवान राम विश्राम करते हैं प्रभु जी के चरण की सेवा करते हैं। अगर प्रभु राम को कहीं जाना हनुमान जी क्या करते हैं कंधे में प्रभु को कंधे पर बैठा लेते हैं, बैठा लेकर के उनको उड़ा कर ले जाते हैं। कई भगवान राम बैठे हुए उनको ऊपर में अपना पूछ से एकदम छत्री बना देते हैं, प्रभु को छाया कर देते हैं। जैसे ब्रज की गोपियां हैं कृष्ण के साथ में रास भी रचाए लीला भी किए हैं, जैसे मीरा गाए थे हैं, कहते ये कौन बल भक्त है। यहाँ पर श्री सुतो गोस्वामी कहते सनकादि ऋषियों यद्यपि एक ज्ञानी भी प्राप्त करता है एक योगी भी प्राप्त करता है लेकिन जो भक्त प्राप्त करता है वो पूर्ण रूप में भगवान को वही प्राप्त करता है। इसलिए हम लोग कभी कोई नहीं कहते हैं ज्ञानी का भगवान कोई नहीं कहते हैं, योगी का भगवान नहीं कहते हैं, कर्मी का भगवान नहीं कहते हैं, किसके भगवान है जोर जोर से बोलो यही चीज को समझो। इसलिए भगवान को बताया भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भक्त की भगवान, इसलिए श्री सूरदास जी एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, हैं? वो कहते हैं सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे सब्जी